अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आजकल कुछ ऐसे दिन चल रहे हैं जिनके बारे में मैंने अप्रैल और मई का जो व्लॉग किया था उसके हवाले से, जब मैंने 29 मार्च को व्लॉग किया था कि अप्रैल और मई का जायचा जब मैंने बनाया था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि मई के एंड तक ऐसी ऐसी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी कि आप खुद भी हैरान होंगे। और इस वक्त ऐसे दिन चल रहे हैं कि हालांकि मैंने रेवोल्यूशन सीरीज़ को शुरू किया हुआ है और आज मैंने पार्ट 4 भी उसका अपलोड किया, लेकिन दरमियान में मुझे व्लॉग करना पड़ जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और इस तरह के व्हाट्सअप वगैरह मुझे रिसीव होते हैं जिनकी वजह से मुझे उनको रिप्लाई करना लाजमी मैं समझता हूँ, या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि जिनको रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं ख्याल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब कल से शाहीन साहबाई के मुसलसल ट्वीट आ रहे हैं और अदलिया के जो मौजूदा अमूर चल रहे हैं, अदलिया से रिलेटेड जो मामलात हैं, इस तरह नजम सेठी के भी कुछ ट्वीट्स या फिर उनके जो व्यूज़ मुख्तलिफ टी वी चैनल्स पर शेयर हो रहे हैं, उस हवाले से मुझे इस कदर ज़्यादा सवालात रसीव हो रहे हैं कि मैंने सोचा कि आज एक एक्सक्लूसिव व्लॉग एक और भी करूँ जिस तरह मैंने कल किया। और पार्ट 5 रेवोल्यूशन सीरीज़ का वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ये भी क्योंकि इवेंट्स तो सारे रेवोल्यूशन से रिलेटेड ही हैं और एक तरह से उसके दरमियान में एक ब्रेक सी है, तो मैं इस हवाले से आपको आज जो सवालात हैं उनके हवाले से उनको मैं डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो तीन लोगों के मुतालिक एक व्लॉग किया था कि पावर नेक्सस में बैठे हुए, अब जो लोग पहले 7 से 8 थे वो सिर्फ 3 रह गए हैं और बाकी उनके पपिट्स हैं छोटे मोटे, शायद एक इलेक्शन कमीशन में है, एक शायद किसी बड़ी अदालत के अंदर है या और भी मुख्तलिफ इदारों में ब्यूरोक्रेट्स में जो कुछ रह गए हैं। उन तीन लोगों के हवाले से मैंने 16 मई को व्लॉग किया था, वो भी आपके सामने, 17 मई को भी मैंने उस हवाले से रेपिटिशन की थी उसकी। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, न्यूमरोलॉजिकली मुझे ये नज़र आता है कि एक बड़ा ताकतवर शख्स जिसके पावरलेस होने के हवाले से मैंने जब ईरानी सदर के बारे में भी जब उनके विजिट का न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस पेश किया था तो मैंने कहा था कि उनका दौरा जो है और उसके दौरान जो उनकी ऑफर्स को जो आयम बाएँ शायम की जाएगी उस वो एक ताकतवर शख्स के लिए बहुत ज़्यादा उसके लिए ख़तरे का सबब बन सकती है। वो एक पावरफुल शख्स, वो उसके साथी तो उसके खिलाफ हो ही चुके हैं, उसके कोलीग या उसके जो भी कह लें उसके दाएँ बाएँ बैठे हुए लोग जो हैं उसके खिलाफ हो ही चुके हैं, लेकिन उसके फैमिली के मेंबर्स, उसके बच्चे, उसकी वाइफ वो तक भी उसके ख़िलाफ़ हो गए। पहले तो बच्चों और जो वाइफ थी उनको तो ज़्यादा शायद इतना किसी की ताकत नहीं थी जितना बच्चों को और क्या कहते हैं वाइफ को, ज़्यादा फिरौनियत सर पे सवार थी और वो अपने आप को कुछ समझते थे, लेकिन अब उन्हें भी ये लगने लगा कि आखिर हमने ज़िंदगी गुजारनी है, आखिर हमने दुनिया में कहीं किसी मुल्क में या किसी ठिकाने पर तो जीना है। और वो खुद अब उस पावरफुल शख्स को क्रिटिसाइज़ करने लगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ तो अपने लिए छोड़ो, किसी तरह अपना कोई सेफ एग्ज़िट तो देखो। इसी तरह मैं जब 30 मई या 31 मई तक का जायचा बनाता हूँ या 30 मई को जब क्या कहते हैं इमरान खान ने जब एहतजाज की भी कॉल दी हुई है, तो 30 मई का अदद जो बनता है वो 9 का अदद बनता है और इमरान खान का अदद 4 बनता है। लेकिन इस वक्त मैं जब भी न्यूमरोलॉजी जब से मैंने सीखी है 9 और 4 की, वैसे बाहर कोई कंपेटिबिलिटी नहीं होती, लेकिन मेरी पर्सनली एक एक्सपीरियंस है कि जहाँ 9 और 4 का आपस में टकराव आता है कंपेटिबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हमेशा 4 की जीत होती है। तो यहाँ पर मुझे 30 मई को और उसके बाद ऑनवर्ड मुझे इमरान खान की बहुत वाज है, जिसे कहते हैं ना 99.99% एक तो जीत नज़र आ रही है, दूसरा मुझे 30 से 31 मई तक ऐसा नज़र आ रहा है 90% चांस नज़र आ रहे हैं, 90% कंपेटिबिलिटी नज़र आ रही है कि एक ताकतवर शख्स शायद अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकता है, शायद वो नर्वस ब्रेकडाउन के नाम पर, शायद वो अपनी खराबी सेहत की बिना पर या किसी भी हवाले से या किसी भी सेहत खराबी की वजह से कोई भी फैक्टर हो सकता है या उसके साथ ही उसको दबाव में लाकर किसी भी तरीके से इस्तीफा दे सकता है और किसी वो किसी और के हवाले अपनी जिम्मेदारियां करके वो मुल्क छोड़ने में या इलाज के बहाने मुल्क छोड़ने में वो आफियत जान सकता है। इसके साथ साथ रही बात शहबाज शरीफ के इस्तीफे की, जो मैंने आपको रेवोल्यूशन सीरीज़ के पार्ट 2 में भी बताया था कि 2 जून से 15 जून तक मुझे शहबाज शरीफ का इस्तीफा नज़र आता है। अगर एक पावरफुल शख्स या जिसको शहबाज शरीफ का आप स्पॉन्सर भी कह लें, अगर वो पहले इस्तीफ़ा दे देता है शहबाज शरीफ का, तो यूँ समझ लें कि आज रात को अगर उसका इस्तीफ़ा आया तो अगले दिन शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा आ जाएगा, फिर ये आगे पीछे जाएंगे, या सुबह इसका तो शाम को उसका, या शाम को उसका तो सुबह इसका, या एक दिन उसका तो दूसरे दिन उसका, इसी तरह ये आगे पीछे जाते हुए बनेंगे। और अगर पहले किसी पावरफुल शख्स का इस्तीफ़ा आ जाता है और दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा नज़र आता है, तो फिर मुझे मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ नज़र नहीं आता, फिर कोई और कोई नया नाम नून लीग में से वो मुझे प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ एक और बात, आज 25 मई है और 25 मई टू ऑनवर्ड मई के एंड तक और उसके बाद जून के पहले हफ्ते तक आपको ऐसी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़, ऐसे ऐसे रोज़ नए इवेंट्स होते हुए नज़र आएंगे कि आप रोज़ टीवी चैनल पर अगर बैठेंगे तो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ या नई तब्दीली या कोई नया उतार चढ़ाव नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक और बात भी बता दूँ कि इन्हीं दिनों में और आने वाले दिनों में और ख़ासतौर पर स्पेशली जून के महीने में पाकिस्तान के हालात बिल्कुल आज़ाद कश्मीर की तर्ज पर बदलने वाले हैं। एक सिविल अनरेस्ट या पब्लिक अनरेस्ट नज़र आ रहा है और वो किन के खिलाफ नज़र आ रहा है, वो सरकारी महकमों
महकमों के खिलाफ नज़र आ रहा है, करप्ट महकमों के खिलाफ नज़र आ रहा है, वो महकमे जो करप्शन करते हैं, जो लोगों को रिश्वतों के नाम पर या जिस तरह से भी आप उसको कह लें, जो भी आप नाम दे लें, या ताकत के नशे में अंधे होकर लोगों को अपना गुलाम समझते हैं, उनके खिलाफ आपको एक बहुत बड़ा सिविल अनरेस्ट नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर के अंदर आपको सरकारी मुलाजिम अपने दफ्तरों में बैठते हुए नज़र नहीं आएंगे, बल्कि वो अपनी जानें बचाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ करप्ट महकमों के मुतालिक बता रहा हूँ कि एक ऐसी वेव आने वाली है, शायद उसका फैक्टर महंगाई भी हो सकता है, उसका जो फैक्टर है वो जो गैर आइनी जो इकदाम हैं मुख्तलिफ इदारों के वो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह होगा कि जिस तरह इंपीरियल आर्मी के खिलाफ ईरान के अंदर लोग निकल आए थे 1978 to 1979, 2 साल का वो इनकलाब का फेज था जिसके मुख्तलिफ पीरियड थे, लेकिन आखिर में नवंबर दिसंबर 1978 और जनवरी और फरवरी 1979 उस दौरान में इंपीरियल आर्मी के खिलाफ भी ईरान में लोग निकल आए थे, और वहाँ की जो पुलिस थी उसके खिलाफ भी लोग सड़कों पर निकल आए थे, और वहाँ की जो खुफिया एजेंसी थी जिसको सवाक कहते थे, SAVAK सवाक, उसके खिलाफ भी लोग सड़कों पर निकल आए थे। सेम टू सेम वही चीज़ मुझे पाकिस्तान में भी नज़र आ रही है, और इसमें शिद्दत आती हुई जून के पहले हफ्ते से मुझे ज़्यादा महसूस होती है। उसके बाद रेवोल्यूशन सीरीज़ का जो पार्ट टू मैंने किया था अदलिया के अमूर से मुतालिक, और उसमें सबसे पहली बात मैंने लाहौर हाई कोर्ट के मुतालिक की थी, और जजेस अपॉइंटमेंट केस के अंदर मैंने मरियम नवाज़ के हवाले से या पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से प्रिडिक्शन की थी कि वहाँ पर मरियम नवाज़ जो है वो उस फैसले को मानने से अभी तक ऐसे लग रहा है कि जैसे इनकार हैं, शायद वो इस फैसले के खिलाफ जाएँ, लेकिन इसके बदले में अदालत के अंदर एक अदालती इनकलाब भी आ सकता है और शायद लाहौर हाई कोर्ट में तालाबंदी भी हो जाए, और जजेस एक स्टैंड पर खड़े होते हुए भी दिखाई देते हैं। अब वही लाहौर हाई कोर्ट के मुतालिक भी मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट्स चल रहे हैं, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के उनके भी बयान कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा एक और सवाल के पंजाब हुकूमत ने सूबाई काबीना की रजामंदी के साथ या उनकी मंजूरी से इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया, तो मुझसे लोगों ने सवाल पूछा कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे। मेरा सवाल इसका जवाब सिर्फ यही है कि यह हुकूमत रह गई तो यह मुकदमा भी चलेगा, पहली बात तो यह, अव्वल तो हुकूमत ही नहीं रहेगी, और दूसरी बात यह कि अगर बिलफर्ज यह मुकदमा कायम भी होता तो यह अदालत से चंद सेकेंडों में जिसे कहते ना कि उड़ जाएगा, जिस हुकूमत की अपनी क्रेडिबिलिटी ही नहीं, जो अपने ही दमोखमों पर खड़ी हुई है, किसी भी चंद तिनकों के सहारे पर खड़ी हुई, किसी भी वक्त वो भी वाइप आउट हो सकती है। और उसके बाद एक और चीज़ के पंजाब में तो मरियम नवाज़ का दिल है कि वो हुकूमत में रहें और उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिलता रहे और उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल वाले ऑफिसर फिरते रहें, इसी तरह शहबाज शरीफ का मरकज़ में भी दिल है, लेकिन नवाज शरीफ का दिल है कि वो सियासी शहीद बन जाएं, किसी तरह हुकूमत ख़त्म हो जाए। अगर पावरफुल शख्स शहबाज शरीफ से पहले इस्तीफ़ा दे देता है तो उस सूरत में शहबाज शरीफ खुद इस्तीफ़ा नहीं देंगे, बल्कि शहबाज शरीफ से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया जाएगा। ये भी मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे देता हूँ, और अभी तक ये भी प्रेडिक्शंस या इसके मिलती जुलती प्रेडिक्शंस कभी किसी ने नहीं की। और उसके बाद अगले हफ्ते से यूँ भी लग रहा है ये जो 27 मई से जो ऑनवर्ड जो आगे हफ्ता शुरू हो रहा है उसके बाद से PTI को सीटें वापस मिलना शुरू होंगी। इस हवाले से भी मैं रेवोल्यूशन सीरीज़ का तीसरा व्लॉग कर चुका हूँ, और उसके अलावा जो सबसे पहले अदम एतमाद इस जो हुकूमत चेंज होगी इसी असम्बली से PTI की सीटें रिस्टोर होने के बाद जो सबसे पहले जो तब्दीली आनी शुरू होगी, डेमोक्रेटिक तब्दीली या कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली, वो स्पीकर कौमी असम्बली और फिर स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नज़र आती है। और उसके अलावा ये कि पावरफुल शख्स के खिलाफ घर वाले तो हो ही गए, उसके बच्चे, उसकी वाइफ तो हो ही गए, उसके कोलीग भी हो ही गए, सिर्फ उसके दो हमनवा रह गए पावर नेक्सस में बैठे हुए, बाकी छोटे छोटे पपेट तो हर इदारे में, एक अदालत में भी है, बड़ी अदालत में और एक इलेक्शन कमीशन में भी है। लेकिन सऊदी अरब और UAE के बारे में भी मैं व्लॉग कर चुका हूं कि वो भी समझ चुके हैं कि उनको किस तरह इमरान खान के खिलाफ ट्रिगर किया गया और गलत ऑडियो सुनाकर, जिस शख्स ने ऑडियो सुनाई उसके खिलाफ वो समझ चुके हैं कि इमरान खान के खिलाफ उनको गलत तरीके से यूज़ किया गया। वो सऊदी अरब और UAE से भी पावरफुल शख्स को मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, और उसके बाद अमेरिका की जानिब से भी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर नजम सेठी ने ये जो कुछ कहा कि मार्शल ला ना लग जाए या इमरजेंसी ना लग जाए, मैं इस हवाले से पहले भी व्लॉग कर चुका हूँ, और आप अपनी टाइम लाइन पर देख लें कि मैंने कब वो व्लॉग किया, कौन सी वो तारीख थी, और मैंने नए आइन और नए निज़ाम और जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तब्दील होना उस हवाले से, तो मैं 28 जुलाई 2023 टू ऑनवर्ड वो मैं इस बारे में व्लॉग कर रहा हूँ, जो कल के प्रोग्राम में हबीब अकरम ने भी अब आकर कहा। और उसके अलावा मैंने हमेशा कहा था कि अब KPK हुकूमत जो है वो आपको रियासती अमूर चलाती हुई दिखाई देगी, ये भी मैंने कब कहा था, पिछले साल किस महीने में कहा था, आप उसको स्क्रीन पर खुद भी देख लें कि कौन सा व्लॉग था। और अब आप खुद देख लें कि कर्गिस्तान में जो स्टूडेंट फंसे उसको भी KPK हुकूमत ने सारे मुल्क के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किए, और उसके बाद जितने भी गंदम का जो दूसरे सूबे जो नहीं खरीद रहे थे KPK गवर्नमेंट ने उनको खरीदना शुरू कर दिया, और अब रियासती अमूर के हवाले से भी KPK जो बिजली के हवाले से या एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो पॉलिसीज़ बना रही है, यूँ लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट अब कुछ नहीं कर रही और KPK गवर्नमेंट जो है वो सारा कुछ करने जा रही है। तो आने वाले दिनों में मैंने आपको पहले भी कहा था ना, KPK बलोचिस्तान और रूरल सिंध से अब लोग उठेंगे, इसी तरह KPK हुकूमत मॉडल बनती हुई नजर आएगी
कि जैसे असल गवर्नमेंट वो है और फेडरल में कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, और यह सब कुछ इनकलाब की आमद आमद है, पाकिस्तान की तब्दीली की तरफ ये हम जा रहे हैं। और अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड यह सिलसिला शुरू हुआ था, जिस तरह ईरान के अंदर 1978 में सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली एंड जाकर उसका फरवरी 1979 में हुआ था, और उसके बाद भी अबूरी हुकूमत आई थी, और उसके बाद एक नया आइन, और फिर उसके तहत दोबारा सारा कुछ एक हुआ। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी सारा कुछ, पहले तो PTI की गवर्नमेंट रिस्टोर होगी, चाहे तो इमरान खान वजीर आजम बने या किसी और को बना दें, लेकिन अल्टीमेटली हेड इमरान खान ही कर रहे होंगे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हुकूमत डिसॉल्व होगी, नए इलेक्शन होंगे जो कि अक्टूबर नवंबर और कुछ आगे पीछे अगर हो गया तो किसी हद तक दिसंबर में जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज उसके बाद ये भी मैंने आपको खुद देख लें कि मैंने कब व्लॉग किया था, तारीख भी आपके सामने है, टाइम भी आपके सामने, और अब उसको सारे एंडोर्स करते फिर रहे हैं। तो ये सारा कुछ इनकलाब की आमद आमद है, और पाकिस्तान ने तब्दील होना है, और खित्ते के हालात ने तब्दील होना है, और ये US प्रॉक्सीज या जो प्रो वेस्टर्न प्रॉक्सीज हैं या ये जो ताकत के नशे में चूर लोग हैं जो पाकिस्तान के खैरखा नहीं हैं, इन्होंने इबरत का निशान बनना है, इन्होंने पाकिस्तान से वाइप आउट होना है, पाकिस्तान पाकिस्तानियों का। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान, PTI, इमरान खान, पाकिस्तानी आवाम और इवन फलस्तीन की कंपेटेबिलिटी भी यही है। 2024 में पाकिस्तान, 2023 में भी काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका, जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी 2024 में, आने वाला वक्त पाकिस्तान की तब्दीली का। और फलस्तीन के हवाले से भी मैं आपको 2 नवंबर 2023 का व्लॉग याद होगा कि मैंने पहली दफ़ा कहा था कि 2024 ही फलस्तीन के लिए भी आज़ाद फलस्तीनी रियासत का एक क्याम अमल में आएगा, लेकिन वो क्याम, वो पूरा जो अमन का फेज़ होगा वो कुछ अरसे के लिए होगा, क्योंकि उसके बाद एक बार दोबारा भी जंग होनी है, और आहिस्ता आहिस्ता ये World War III जो है क्लस्टर्स की सूरत में ही होनी है, उसमें एक फेज़ वहाँ पर भी आएगा। बाकी अल्लाह सबकी हिफाजत करे, और जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये न्यूमरोलॉजी के लिए, अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो, बिलाशुबा गैब का इलम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को। थैंक यू सो मच।